तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत, दो बच्चों को ग्रामीणों ने बचाया। कैंट थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम ढोलबाज में एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया। बताया जाता है कि ग्राम ढोलबाज के कुछ बच्चे रोजाना की तरह मवेशी चराने के लिए जंगल के लिए निकले थे। मवेशियों को जंगल में छोड़कर ग्राम बरोदिया के पास बने तालाब में नहाने चले गए। बताया जाता है कि बच्चे नहाते हुए गहरे पानी में चले गए, जिस कारण सभी बच्चे घबराकर मदद के लिए चिल्लाए और किनारे आने की कोशिश करने लगे। उनकी आवाज सुनकर ग्रामीण भी तालाब के पास पहुंच गए और दो तीन बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन एक 10 वर्षीय बालक को जब तक निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं बच्चे के शव को जिला अस्पताल लाया गया। यहां मृतक बच्चे के परिजनों से मिलने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही शासन की तरफ से आर्थिक मदद देने की भी बात कही। अच्छा, मैंने कलेक्टर को बोल दिया है 4 लाख रुपए इनको, 8,000 रुपए इनको संस्कार करने बेटा, उसका कोई इलाज नहीं, भगवान की जो मेहनत है बहुत बहुत मेहनत करनी है। ये मानो बच्चे मानो भैंसे चलाने गए थे तो उसमें लेके डूब गए, नहीं बच्चे हाथी लाल का बच्चा आ जाए, तालाब में डूब गया, दो बच्चे और भी डूब गए थे, दो तो खींच निकाल लिए। ये बाद में बड़ी मुश्किल से मिला, तो जब तक मिला तब तक वो शांत हो गया, चले गए कुछ लाए तब तक वो शांत हो गया। टोटल कितने बच्चे तालाब में डूब गए थे? ये 4-6 बच्चे थे, मानो दो बच्चे डूब गए थे आपस में, साथ में दो बच्चे डूब, इसमें से एक की मौत हो गई। एक अभी घायल है? नहीं, वो दो तो सही है, वो तो सही है, बहुत ही दुखद घटना है। और ये गुना में तीसरी या चौथी घटना है इस तरीके की, जो बच्चों के डूबने की खबरें आती हैं और मन को पीड़ा होती है, मन को बहुत ही दुख होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मंजूर है ईश्वर को वही होता है, किंतु जो भी परिवार को सहायता दे सकते हैं वो हम लोगों ने दी है। कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई और बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपये, लगभग कितनी राशि का? 4 लाख रुपये दे का जो मापदंड है वो 4 लाख।